मध्य प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश की यूपीएससी एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे युवाओं का पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये पहला बजट है जो 3.5 लाख करोड़ का है। इस बजट की थीम विकसित भारत है। हमारी सरकार ने बजट दोगुना करने का लक्ष्य लिया है। सभी विभागों को मांग से ज्यादा राशि दी गई है। प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा यह हमारा काम है। राम पथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। उन्होंने बताया कि हम हेल्थ टूरिज्म पर भी काम कर रहे हैं। पर्यटन को अलग अलग कैटेगरी में करेंगे। एमपी में आईटी की बहुत अधिक संभावना है। शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए काम शुरू किया गया है। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने कहा है पहले से, कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की जीडीपी में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। सड़क, बिजली, बिजली में भी नवाचार अर्थात नवकरणीय ऊर्जा और ऑर्गेनिक ऊर्जा, ये जो एक नया पक्ष जुड़ा है जिसके माध्यम से परंपरागत व्यवस्था के अलावा भी सौर आधारित तीनों प्रकार से, चाहे वो हमारे सोलर के आधार पे हो, विंड के आधार पे हो, सभी प्रकार की ऊर्जा को संचित करते हुए प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे जिसके कारण से उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो और हमारी भागीदारी देश के अंदर बढ़े। इसी प्रकार से राज्य के आधारित भी जितनी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन देते हुए सभी प्रकार से युवाओं को रोजगार की दृष्टि से सर्विस, अगर सर्विस सेक्टर में जाना चाहते तो सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के अलावा वो निजी क्षेत्र में भी काम करना चाहे तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर में हम उनको अनुभव देते हुए उनको रोजगार से जोड़ करके मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।